अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम पेपाल पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको पेपाल अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे कि कैसे हम पेपाल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों प्ले स्टोर में। यहाँ पे दोस्तों हमने लिखना है हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट और यहाँ पे आपने सर्च कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल स्क्रीन पे हम इसको ओपन करके देखेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम इस ऐप के थ्रू पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल हो चुकी है मेरे मोबाइल में और मैं यहाँ से इसको ओपन करते ही दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आएगा। यहाँ पे दोस्तों पेपाल अकाउंट क्रिएशन गाइड आपको मिल रही है। दोस्तों, यहाँ से हम कंट्री अपनी मतलूबा कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ और दोस्तों एक पाकिस्तान इंग्लिश में और एक उर्दू में। आप यहाँ दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल का अकाउंट बनाया जा सकता है? अगर पेपाल किसी तरीके से इसका अकाउंट बना भी लिया जाए तो क्या इसमें मौजूद रकम पाकिस्तान में हासिल की जा सकती है? ये दोस्तों किसी ने सवाल किया और जवाब में दोस्तों पेपाल दुनिया की मकबूल तरीन ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके सार्फिन की तादाद करोड़ों में है जो सैकड़ों ममालिक में फैले हुए हैं। नहीं, ये बात खासी अजीब है कि पेपाल तो पाकिस्तान में काम नहीं करता लेकिन ई कॉमर्स पेपाल इसी कंपनी का जिली इदारा है। पाकिस्तान बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है और कई अहबाब जिन्हें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की सहूलत मैसर है ई पे से पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल स्क्रीन शॉट अकाउंट बनाने के लिए कोई कानूनी तरीका मौजूद नहीं। हाँ, दो नंबर तरीके कई हैं लेकिन ये दो नंबर तरीके कभी कभी मुश्किल में ज़रूर डाल देते हैं। अगर आप पेपाल का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बैरूनी मुल्क रहने वाले किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार की मदद से कर सकते हैं जिसकी पेपाल में काम कर रहा हो या उसका अकाउंट हो। बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर और पते की तस्दीक की जाती है। मरहले के दौरान तस्दीकी अमल पूरा ना हो तो अकाउंट पर कई पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। ऐसे अकाउंट को अकाउंट्स कहा जाता है। इनमें से रकम निकालना इस लिमिटेड वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक पेपाल के मांगे हुए डॉक्यूमेंट्स फराहम न कर दिए जाएं। पाकिस्तान में पेपाल क्यों दस्तयाब नहीं, इसकी क्या कोई हतमी वजह मालूम नहीं। ताहम बेशतर का ख्याल है कि इसकी वजह पाकिस्तान और स्टेट बैंक के गैर लचकदार रवैये के अलावा पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में पाई जाने वाली खामियां हैं। नीज़